अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे आलू वाले चावल। इसके लिए हमें लेने हैं 2 चम्मच बड़े तेल के, 2 मीडियम प्याज, इसको हम सुनहरा कर लेंगे, इसके अंदर ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और पत्ता डाल देंगे। ये डालने के बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। अब 5 से 6 हरी मिर्ची डालेंगे और उसके बाद 7 से 8 मीडियम आलू डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद 3 मीडियम टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर इसके अंदर 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अब हम लोग आलू को गलने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 10 मिनट तक इसको गलने रखेंगे। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अचार भी डाल दिया था, अचार से टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आ जाता है। आलू को हम गला लेंगे। आलू गलाने के बाद इसके अंदर हम लोग 3 गिलास चावल के भिगो के रखे थे मैंने 1-2 घंटे पहले, वो डाल देने हैं। ये ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी है मैंने चावलों में डाल दिया। इसको मिक्स करके इसको दम पे लगा देंगे। यहाँ पे मुझे नमक मैंने चखा था तो कम लग रहा था, मैंने 1 और चम्मच डाल दिया। ये दम के लिए रेडी है। आप लोग चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक दम देना है और हमारे चावल तैयार हैं।